हे गाइस, समोसा एक ऐसी रेसिपी है जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं लेकिन उनका समोसा फेवरेट होता है, लेकिन इसका ऑयली होने के कारण वो लोग इसको अवॉइड करते हैं, खाना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, बिना टेंशन के, बिना ये सोचे कि ऑयली है, आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, क्योंकि मैंने जो समोसे तैयार किए हैं वो एयर फ्रायर में तैयार किए हैं। जब आप इस रेसिपी को देखेंगे, बनाएंगे, खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बिना तले हुए समोसे हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और अपने मनपसंद समोसे का मजा लीजिए। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल डाइटिशियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, समोसा इन एयर फ्रायर। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना होगा डो। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर जिसे बोलते हैं, उसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच देसी घी, आप देसी घी की जगह इसमें रिफाइंड ऑयल जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, और इसको हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से मिक्स करने के बाद इस तरह से हमें बाइंड करना है। अगर ये बाइंड हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसमें आप ऑयल और मिक्स कर लीजिए। अब हम लेंगे पानी और इसका हम आटा गूँथेंगे। तो आटा हमें यहाँ पर जो तैयार करना है वो नॉर्मली करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, बहुत लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हमारा आटा तैयार हो गया, इसको हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। इतने हम तैयार कर लेते हैं स्टफिंग जो समोसे में भरी जाएगी। तो स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, और इसको सोते कर लेंगे हल्का सा। सोते करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काजू, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया जिसको कि हम हल्का सा क्रश करके डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो फ्लेम है वो लो रखनी चाहिए, बहुत तेज़ आपको लो नहीं रखनी है। अब हम इसे डालेंगे 1/2 कप बॉयल मटर, इनको मैंने पहले से उबाल लिया था, और 4 आलू लिए हैं, उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था उबले हुए, इसको हम अच्छे से डालकर इन मसालों में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने मसाले मैंने डाले हैं, अगर आप चटपटा समोसा चाहते हैं तो आप सारे मसाले इसमें ऐड करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समोसा भर कर तैयार कर लेते हैं। तो आटा जो है हमारा तैयार हो चुका है, अब हमें इसे एक लोई की तरह, जैसे कि हम रोटी के लिए लेते हैं उतनी हम लोई लेंगे, हल्का सा इस पर आटा जो है डालेंगे और इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें लेयर तैयार करनी है, थोड़ी पतली तैयार करनी है, बहुत मोटी नहीं रखनी है, इसको अब हम बीच से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस साइड हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। पानी लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। तो दोनों कॉर्नर मिला दीजिए और अच्छे से दबा दीजिए। और अब हम इसमें आलू की फिलिंग जो हमने तैयार की थी, आलू और मटर की, इसमें डाल देंगे, और ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे और इसको हम ऊपर से इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आराम से आपका जो समोसा है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने सब जो समोसे थे वो फिल करके रख लिए हैं। अब हम करेंगे हीट समोसे को एयर फ्रायर में। जी हाँ, मैं यहाँ पर तल नहीं रही हूँ, मैं इसको एयर फ्रायर में बना रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो 2 मिनट के लिए इसको प्री हीट कर लेते हैं एयर फ्रायर को। प्री हीट हो जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। कुछ लोग बोलते हैं ऑयल की क्या ज़रूरत है, तो फ्रेंड्स आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑयल लगाएंगे तो थोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं और अच्छे से, और कलर भी अच्छा आता है। तो इसके ऊपर समोसे हम रख देंगे और ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हम टाइम सेट करेंगे, सबसे पहले 10 मिनट के लिए मैंने सेट कर दिया है और 200 जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है उस पर किया है। तो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। मैंने टोटल 10 मिनट रखा था, 5 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और इसको थोड़ा सा पलट देंगे दूसरी साइड से, और एक बार फिर से हम ऑयल इस पर लगा देंगे। तो बहुत ही कम बस इसके ऊपर हमें ऑयल लगाना है और फिर हम इसको वापस सेट कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद आप खोलकर देखेंगे कि दोनों तरफ से सिक चुका है, लेकिन अभी हमें इसको और सेकना है। तो इसको थोड़ा पलट दीजिए, पलटने के बाद वापस हम इसको फिर से 10 मिनट बाद खोलेंगे। तो 10 मिनट का टाइम सेट कर दिया है, तो अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अगर आप इससे और क्रिस्पी चाहते हैं तो और इसको क्रिस्प कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो समोसे हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए और सेट कर देती हूँ ताकि और अच्छे से क्रिस्पी बन जाएं। तो टोटल जो हमारी लगी है यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग जाते हैं समोसे बनने में, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 200 मैक्सिमम है। अगर आपके पास ज़्यादा टेम्परेचर का है तो उसमें आप कम समय में भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे तो देखिए कितने बढ़िया समोसे बनकर जो तैयार हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं सर्व गरम गरम समोसे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका मन करे आपके फेवरेट समोसे खाने का, तो बिना सोचे बिना टेंशन के कि ऑयल में ऑयली हैं ऑयल में सिके हुए हैं, आप एयर फ्रायर में बनाइए और समोसे का मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल डाइटिशियन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स से मेरे साथ शेयर करिए। इस रेसिपी को आप एयर फ्रायर में ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग बनकर तैयार होती है, एकदम क्रिस्पी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिना तले आपने समोसे तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इन्जॉय कीजिए समोसे हेल्दी तरीके से विद योर फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।